एक्सरसाइज प्रश्न नंबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सोच लो, सात, सबने काम करा है, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ग्यारह, बारह, तेरह, तेरह, तेरह। हाँ तो डाउट पूछना, नहीं पूछते तो मेरे को समझ में आया था। इधर सुन, तेरवा सुने, तेरवा पूछेबल सवाल है। हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इज गिवन बाय बी इक्वल टू बी नॉट ई आर कैप। ER वेक्टर डिनोट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एंड सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू XY प्लेन एंड द सेंटर ऑफ 0, 0, d। आप ऐसा समझो कि XY प्लेन है, ये क्या है? और ये समझिए Z है। तो पैरेलल टू XY प्लेन 0, 0, d की आप नियरिंग ऐसे, एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। उसने बोला अलोंग दिस रेडियल डायरेक्शन में ऐसे, तो रिंग ऐसे है 0, 0, d पर, 0, 0, d पर, और उसका रिंग का रेडियस कितना है? A। ये A है, और ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट रेडियली, ऐसे समझो। सर्कुलर रेडियस करंट करंट I, करंट ऐसे बह रहा है I, समझ आई ऐसे बह रहा है, फील करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर I ऐसे बह रहा है और समझ I ऐसे है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे DL ऐसे और B नॉट ऐसे, और भाई साहब डीएल और बी नॉट में एंगल 90, बट आई डीएल बी नॉट करोगे तो ऐसे आएगा फोर्स। अरे भाई भाई ऐसे रेडियल है ना, तो आईडीएल बी नॉट करोगे तो तू बहुत ध्यान से दे, तो जो तेरा फोर्स आएगा ना इस वाले केस में वो ऐसे आएगा आईडीएल बी नॉट। तू बहुत ध्यान से देख तो यहाँ पे ऐसे आएगा, बोलेंगे कौन से कंपोनेंट कट जाएंगे फोर्सेस के। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो आईडीएल बी नॉट के कॉस थीटा कट जाएंगे, जुड़ेंगे कौन से, तो आईडीएल बी नॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो डीएल का इंटीग्रेशन इज 2πa, कितना? तो आई इंटू 2πa बी नॉट साइन थीटा। अरे भाई साहब साइन थीटा कितना? a बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। देख आंसर आया क्या? Yes, देख आंसर आया क्या? Yes, क्या सवाल समझ आया क्या? Yes, करा ही नहीं समझ कहां से आएगा? Yes, ये पूछेबल सवाल है, टफ सवाल है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, पर अगर ढंग से करो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। 13 हो गया, फोर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, पक्का, सिक्सटीन, सेवनटीन, आवाज नहीं, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी, 18 तो बहुत आंसर आसान है, कौन पूछ रहा है? अबे IL क्रॉस बी में L क्या होता है? IL क्रॉस बी में L क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड अबे तो 2π / लैम्डा x से क्यों डर रहा है? हमें तो L वेक्टर से मतलब है। Yes, हमें तो मतलब लैम्डा से मतलब है। Yes, किससे मतलब है? Yes, अबे IL क्रॉस बी में शेप ऑफ द वायर से मतलब है कि L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड क्या IL क्रॉस B लगा सकते हैं वेयर L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट में? तो क्या B इज कांस्टेंट? क्या इसमें B कांस्टेंट है? तो जो साइन कर्व से डराया हुआ है वो तो शेप ऑफ द वायर है, शेप ऑफ द वायर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के मतलब है? तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो वो डायरेक्ट है, वो इससे नहीं हुआ, उसको मैंने बता दिया। 19, 19, 20, 20 अगर किसी को डाउट है तो बताता हूं, तुमने इसे छोड़ दिया होगा, बड़ा सा डायग्राम 12 लाइन मैं नहीं करने वाला, जबकि सवाल में कुछ भी नहीं है। एक बार करंट ऐसे बहते हैं तो आएगा 2t sin theta equals to mg, 21 ही बोल रहा हूं तो मैं, अरे 20 तो बहुत छोटा सा है, 21 के बारे में बता रहा हूं, हाँ सॉरी बोलू, 22, 23, 24, 25, 26 दोनों डाउट होंगे, ध्यान सुन लो, मैं बता रहा हूँ दोनों उत्तर देख, अरे सुन तो सही, पूरा सुन ले तू यार, परेशान क्यों हो रहा है? ये वही बात है जैसे आपने सर्कुलर में करी थी टेंशन निकालने के लिए, याद कर रिंग में टेंशन निकालने का स्टैंडर्ड तरीका होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेटर भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी ये वही दोबारा वो तरीका है। मेरी बात बहुत ध्यान सुन, ये आपकी मान लो रिंग है, क्या है ये आपकी रिंग,
अगर इस रिंग में मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लू ऐसे, याद कर पहले भी ले चुके हैं अपन डी थीटा डी थीटा, याद कर डी थीटा डी थीटा को अगर थोड़ा बड़ा करके देखे तो ऐसे दिखाई देता है, उसमें टीटी इधर लगता है, याद है भूल गया ये अपना डी थीटा याद है भूल गया That is balanced by 2t sin theta sin d theta में d theta is बहुत छोटा, d theta ने sin d theta को मार दिया, 2 ने 2 को टेंशन के लिए आई IRB, क्या यही वो टेंशन है जिसमें स्ट्रेस डेवलप करेगी? क्या डेवलप करेगी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसका जो अगला पार्ट है उसे बहुत ध्यान से समझो, याद करो, स्ट्रेस होता है जो अपना यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या होता है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप ऐसे कोई भी एलिमेंट लेते हो, इधर से अगर टी लग जाए, इधर से अगर टी लग जाए, तो ध्यान से देखो तो आपका जो स्ट्रेस होता है जो अपने चीजें होती है वो जो जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब ध्यान से समझना, अगर आप इसको ध्यान देखो तो इसको थोड़ा सा आपने देखा तो इसको ऐसे समझो, इसे कोई भी अगर छोटा सेगमेंट लोगे ना इस रिंग का ऐसे यहां से लेकर यहां तक, तो इसको ऐसे देखो कि ऐसे है तो इधर टी और तो एरिया कौन सा, रिंग का एरिया या इसके इसका ही छोटा सा एरिया? अगले पार्ट में देख इसका वायर का रेडियस दे रखा है, अगले पार्ट में देख वायर का, तो जब आप वायर का रेडियस क्या दे रखा है देख, और इसका रेडियस क्या दे रखा है ए, और वायर का रेडियस क्या दिया आर, तो सोच स्ट्रेस क्या हुआ टी बाई पाई आर स्क्वायर। अरे भाई साहब हाँ ना बोल, बाई डेल्टा एल, डेल्टा एल और टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई है, अरे कितनी है 2 पाई ए, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। अब इसमें कोई मैग्नेटिज्म ज्यादा नहीं है, ये पुराने फंडे हैं सब, ये सब ये बैलेंसिंग वाला फंडा है और ये यंग्स मॉडुलस वाला फंडा है। अबे यार नहीं आया, अरे यंग्स मॉडुलस तो पता है ना, यंग्स मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नहीं आया 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 नहीं आया। तो ये आपके सवाल थे कौन से, 25 और 26, 27, 27 काम वाम कराई नहीं है, 27, 28, 29, 29 अगर नहीं भी हुआ तो ईएमआई है बेसिकली, इमोशनल ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ अगले एक आध लेक्चर में आ जाएगा, इसके बाद वाले सवाल हुए होंगे 30 से, 30, 31, 32, 33, 34, 35, काम कराए 36, 37, आवाज नहीं 37, 38, 39, 39 तो खुद मतलब अगर रेडियस, अगर जो थिकनेस है वो एम वी बाई क्यू बी से कम है तो हम दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगे और डेविएशन आता था साइन थीटा बराबर टी बाई आर, तो वही तो सवाल है। सेमी सर्कल करने के लिए कम से कम थिकनेस एम वी बाई क्यू बी होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो पूरा सेमी सर्कल करेंगे, उससे कम है तो सेमी सर्कल, और साइन थीटा बराबर टी बाई आर बनाते हुए निकल जाएंगे, तो वो इसमें क्या बताऊं मतलब 40 आवाज नहीं 40 सोच लो 41 याद कर 40, 41, 42 क्या मैंने क्लास में समझाए थे? ये मैं मान रहा हूं किसी से अगर अटके होंगे तो कैलकुलेशन में अटके होंगे, किसमें अटके होंगे, बट ये सवाल इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर रिलेटेड विद एक्सपेरिमेंट्स, दे आर रिलेटेड विद, ऐसे ही अलग करा जाता है, सेग्रीगेट करा जाता है आइसोटोप्स को, ऐसे ही अलग करा जाता है दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स के क्यू बाई एम रेशो को, बोल यस और नो, 41, 42, 43, 43 मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन होगा, ध्यान कोई रॉकेट साइंस नहीं, जबकि उसमें एक्चुअली लेंस भी मिला दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी मिला दी और सलाह 1/v + 1/u का फॉर्मुला भी मिला दिया, और इतना हम सब मिलाया हुआ हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप बहुत ध्यान समझे तो आपको बोला एक लेंस से, पहली बार लेंस का फॉर्मुला है 1/v - 1/u = 1/r, आपको बोला गया यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसको ऐसे छोड़ा गया, ध्यान से देखो अगर ऐसे छोड़ा गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आप बहुत ध्यान देखो तो आपको पार्टिकल को ऐसे छोड़ा गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो क्या ये सेंटर ऊपर है? yes,
तो ध्यान से देखिए सर्कल ऐसे करेगा, क्या आप सर्कल निकाल सकते हो? क्या इस सर्कल का जो जो रेडियस होगा या जो 2R होगा, क्या वो 2R हो जाएगा H नॉट? अरे क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पहले तो क्या R निकाल सकता है? R इज नथिंग बट MV/QB, मैग्नेटिज्म खत्म, मैग्नेटिज्म खत्म। अब भाई साहब ऑप्टिक्स आ गई, क्या ये दूरी आपको दी हुई है? अगर ये दूरी दी हुई है आपको F पता है, क्या V निकल आएगा? अगर V निकल आएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर अपन 2R ले ले तो यहाँ पे क्या 2R डैश हो जाएगी, तो क्या 2R डैश हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी? खेला खत्म, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया तो सिंपली अपन बोल सकते हैं 2R डैश अपॉन 2R इक्वल्स टू V/U। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, तूने टू को मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। तो उसमें ऑप्टिक्स ज्यादा थी, मैग्नेटिज्म तो कुछ भी नहीं था, तो R बराबर MV/Q भी था, खेला खत्म। क्योंकि आपने डायग्राम देख के आप डर गए कि भाई साहब लेंस मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस वेडियस का सवाल अपना करना पॉसिबल फिर था जो बोला चमका, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। आप सुन 44 अगेन आपको डाउट होगा, मैं आपको सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, डरावना आंसर है पर ध्यान समझना, वास्तविकता में मैग्नेट्स एक्सपेरिमेंटल बेस। अगर आप ध्यान दें तो आपको पहले दिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन गन से आपने चार्ज को एक्सलेट करा कि नहीं करा? पहले आपने उसको वी पोटेंशियल एक्सलेट करा, फिर वास्तविकता में आपने बोला कि आपका जो है ना वो एक पैरेंट से बाहर आ रहे हैं ऐसे, और उसने बोला कि लगभग लगभग जितने भी चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहे हैं उनका कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा एंगल है, बहुत ज्यादा एंगल नहीं पर कुछ कुछ है। तो प्रैक्टिकली सोच, हमें मान लीजिए कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक मटेरियल पर बम्बार्ड करना है, हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो प्रैक्टिकली सोचो हमें क्या करना चाहिए, हम जानते हैं कि लगभग सब सीधे आ रहे हैं पर कुछ थोड़े बहुत टेढ़े, हम क्या चाहते हैं कि सारे के सारे जितने भी चार्ज पार्टिकल जो निकले क्या पूरे के पूरे बम्बार्ड कर जाए? तो हमने क्या करा, हमने सोचा कि जो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े भी आ रहे होंगे, क्या वास्तविकता में जो थोड़े से टेढ़े आ रहे होंगे और इधर मैग्नेटिक फील्ड लेके दे विल टेक अ हेलिकल पाथ, दे विल टेक अ हेलिकल पाथ। सोच अगर इन मटेरियल के पहली पिच पर ही मैं मटेरियल रख दूं तो कैसा वहीं मिल जाएंगे? पिच क्या हुआ करती थी, याद कर, पिच हुआ करती थी वी कॉस थीटा इनटू टी, v cos theta into v। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा था, क्या v cos theta is approximately v? Yes, v cos theta is approximately v। तो लिख दिया गया vt, क्या लिख दिया गया vt, t is a time period, t is a time period that is 2πm/qv, और v वो है, अच्छा v कहां आया, v वहां से आया, qv equals to half m v square। अरे तुम्हें मेरी बात समझ, ये सॉल्यूशन सिर्फ उसको समझ में आएगा जिसने सवाल पढ़ रखा है और उसको डाउट याद है, वरना कुछ नहीं समझ आएगा। पहले था जो मैं बोला चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सो बेसिकली हम उसको पहली पिच पे रख देते हैं जो कि v cos theta into t के बराबर है। मैंने vt इसलिए लिख दिया क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, थीटा अगर बहुत छोटा है तो cos theta is approximately 1, cos theta is approximately 1, प्राण पखेरु सोच लो, पक्का? वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 44, जाहिर सी बात है 45 आपका अटक गया होगा, 45 इसलिए अटका होगा कि वास्तविकता में उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है और आपने फिर से आप दिस लाइन देखकर और डायग्राम देख के छोड़ दिया बोला होगा मनी मन, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, समझ नहीं आ रहा। पर वास्तविकता में सवाल है कोलिजन का, किसका सवाल है? आपको सवाल जो दिया गया उसमें अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर दी हुई है और आपको दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, बोला गया है कि उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है, उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्यों नहीं कंडक्टर सेंसर करा गया, क्योंकि अपन नहीं माना है, अपन सवाल वैसे करना चाहते हैं। उसने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल इधर फेंका गया, एक को इधर फेंका गया, बोलो यस और नो, दोनों के बीच की दूरी दी गई कितनी? डी। कितनी दी गई? हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि भाई साहब चार्ज कितना दिया गया दोनों का, Q और दोनों का बंद है, बोलो क्लियर है? ये सर्कल ऐसे करना चाहता है, सर्कल ऐसे करना चाहता है, सोचिए तब तक नहीं टकराएंगे जब तक इनके रेडियस d/2 नहीं होगा। तो d/2 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, d/2 इक्वल्स टू MV/QB, d/2 इक्वल्स टू MV/QB, ये तब तक की v मैक्सिमम है, तो v मैक्सिमम की वैल्यू आपकी आई qbd/2m, बोल यस और नो? जब तक ये रफ्तार नहीं हो जाएगी तब तक ये दोनों का रेडियस d/2 से कम रहेगा, और d/2 से कम रहेगा तो इनका टकराना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि उसका पहला पार्ट, उन्होंने सबसे पहले पार्ट में vmax पूछा, vmax के बाद उन्होंने बोला कि अगर मैं रफ्तार vmax/2 कर लूं, अगर मैं रफ्तार vmax/2 कर लूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा रेडियस d/2 होगा कि d/4, d/4 कितना होगा? अगर मेरा रेडियस d/4 हो गया तो सोच लेते खुपच 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 हम सर्कल ऐसे करेंगे जिसके बीच में दोनों के बीच की दूरी d है, और इनका रेडियस कितना होगा? इनका रेडियस होगा d/4, कितना होगा? d/4। तो अगर ये d/4 है तो दोनों के बीच की मिनिमम पार्टिकल की दूरी होगी d/2, कितनी होगी? और इनके बीच की मैक्सिमम दूरी होगी d+d/4+d/4, यानी कि 3d/2। अरे हाँ ना बोलिया, तो दूसरा पार्ट अपना खत्म हो गया। तीसरे पार्ट में इसने बोला कि अगर मैं vmax की वैल्यू 2vmax ले लूं, यानी कि अब रेडियस d तो d/2 है कि d है? d है, कितना है d? अगर d होगा तो कोलिजन होगा, अगर d होगा तो कोलिजन होने का मतलब दोनों एक दूसरे के सर्कल में ऐसे कॉन्साइड कर लेंगे और ऐसे ऐसे दिखाई देगा। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो आपको खुपच 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 खुपच, पहले तो जो मैं बोला चमका, अगर ध्यान देखो तो पूरी दूरी कितनी हो गई? d। कितनी हो गई? d। सोच यहां से टकराएंगे तो ये भी d और ये भी d, बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा ये एंगल आएगा 30, कितना आएगा? 30। अब सोच इस 30 वाले किधर वाले कंपोनेंट कट जाएंगे और किधर वाले? कौन करेगा? कुछ नहीं समझ आया।
आया नहीं आया? अरे सोच लो, रफ्तार भले तेज थी पर सब कुछ एक्यूरेट समझाया, इसमें कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना तो बोल ले, उतार ले। ये सब हो गए होंगे। याद कर वर्णन किसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी स्पीड की बात आ जाए तो वर्णन किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का कोई वर्णन नहीं आया। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए और उसमें वर्णन और काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात करी जाए तो वर्णन सिर्फ किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। कोई वर्णन? 50, 51, 52 जिससे नहीं हुआ बता दू। याद कर मैंने एक साइक्लॉइड बात बताया था, ई परपेंडिकुलर टू बी। याद कर उसमें एक एक्स मैक्स बताया था। क्या बताया था? याद कर, तो शीट में भी था और अपन ने करा भी था। तो 52 का वही आंसर है, इसमें कोई शक वाली बात? 53, 53 भाई साहब, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 cube by 2 है। याद करके मैंने बताया था रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जाहिर है मैग्नेटिक रेशो, जिसका रेशो क्या रहता है? क्यू बाई। आ जाइए चैप्टर 35। प्रश्न नंबर 1, 1, 2, 2। अरे भाई साहब 2। मुझे पता है 25-50% बच्चों से ज्यादा ने काम नहीं करा है, बट मैं डिस्कशन कराऊंगा क्योंकि अब हमारे पास बफर टाइम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 कईयों को डाउट होगा पर मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ढंग से आंसर देख के घिसो। मुझे पता है 5 डाउट होगा कईयों को, पर जिनको डाउट है उन्हें मैं बता दूं ये करेबल सवाल है। सिर्फ ढंग से आंसर देखो और सोचो कि ऐसा क्यों लिखा गया है। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल दी गई है और जो वायर की वजह से दी गई है, एक तरफ वो जुड़ेगी और एक तरफ वो घटेगी। और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस तक बढ़ती है, सॉरी एक्सिस से लेकर सरफेस तक बढ़ती है और उसके बाद घटती है। तो आपको वो एनालिसिस करना है। मैं मान रहा हूं कि डाउट होगा पर अगर आप ढंग से एनालिसिस करोगे तो आपको तकलीफ नहीं। इसलिए एक बार और घिसना इसको। छठा, पांचवा, छठा, सॉरी मैं छठा बोल रहा था, जो बोल रहा था अभी, जो मैंने बात बोली वो छठे के लिए थी। पांचवे में कई लोगों ने सोचा, हमने तो इतना सोचा ही नहीं, आंसर आ गया। मैंने जो भी कहानी सुनाई वो किसके लिए थी? छठे के। सॉरी, सातवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा, सोच लो, ये सब वही न्यूमेरिकल पोर्शन से घिसने हैं। 14, 14, 15, सोच लो, 16, 16। अगेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आपको समझाया गया, मान लीजिए आपको बोला गया कि ये वायर है, यहाँ से एक दूरी दी गई और आपको बोला गया, मेरी बात बहुत ध्यान सुना, अगर इंफ्रारेड वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2d। उसे क्या बोला है पढ़ाता हूँ। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट आई, लेट B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट P एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द वायर। लॉन्ग वायर है और d दूरी पर से मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई। लॉन्ग वायर है तो लिखा गया μ0I/2d। कितनी दूरी दी रखी है? d 2πd। तो ये इनफिनिट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है B1। बोलो क्लियर? उसने बोला B2 मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई, जो इसकी लेंथ ली गई L, कितनी ले ली गई? L, और ये दूरी है d। ये दूरी कितनी है? d। बोला मैग्नेटिक फील्ड B2 है। अगर B2 के लिए बोला गया कि B2 और B1 में सिर्फ 1% है अंतर, कितना है? 1%। इसने बोला कि अगर वायर में इतना से ले लूं तो क्या होगा? याद कर इसका फॉर्मूला होता है μ0I/4πd sin θ1 sin θ2। तो μ0I/4πd sin θ1 sin θ2 sin θ sin θ दोनों बराबर है। तो sin θ की वैल्यू है कितनी? L/2। sin थीटा की वैल्यू है L/2 अंडर रूट ऑफ L² / 4 प्लस D²। तुम्हें समझ नहीं आया? sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin θ multiplied by 2। ध्यान से देखो तो क्या है? B2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? इसने बोला B2 और B1 में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट 1% का अंतर है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं B2 इक्वल्स टू बेसिकली 0.99 μ0I/2πd। तुम्हें मेरी बात समझ? बहुत ध्यान से देख, तो μ0I ने μ0I को मार दिया, सॉल्व कर लो, L/d का रेशो आ गया। ये L/d का रेशो ये बताता है कि 1% के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर L/d का रेशो ये मेंटेन हो रहा है तो इसके बाद वायर को अपन इनफाइनाइट मान सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता में इनफाइनाइट वायर वास्तविकता में कि रिलेटिव टर्म है। वही सवाल के न्यूमेरिकल के पोर्शन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी गई है। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ? भूख लग रही है।
सोलह सत्रह सत्रह सोच लो अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस 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 डाउट है ऐसा मैंने क्लास में नहीं कराया गया सुन लो नहीं है तो यह देख ऐसे बाहर आ रहा है ऐसे बाहर जा रहा है ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है देखना ये दूरी तेरे को डी दी हुई है टोटल एंगल अल्फा दिया हुआ है तो ये एंगल कितना हो गया अल्फा बाई टू बहुत ध्यान से तो तेरे को देख ये एक वायर है इधर इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये एक वायर है जिसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या एक वायर की वजह से निकाल के काम कर ले फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई फोर पाई डी साइन थीटा वन प्लस अगर ध्यान देगी अल्फा बाई टू तो एक एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा बाई टू और दूसरा एंगल हो गया 90 कितना हो गया देख डी डी है कि नहीं है डी तो मेरा ये वाली दूरी है तो अगर ये डी है तो ये है डी साइन अल्फा बाई टू क्या है तो फॉर्मूला लिखा गया म्यू नॉट आई बाई फोर पाई डी डी की जगह कितना डी साइन अल्फा बाई टू साइन थीटा वन का मतलब कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन 90 यानी कि 1 मुझे लगा नहीं तुम्हें आया 1 प्लस कॉस अल्फा बाई टू इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई फोर अरे सही तो बोल रहा हूँ 2 cos square alpha by 4 इसे लिखो 2 sin alpha by 2 cos alpha by 4 alpha cos alpha by 4 ने cos alpha by 4 ने cot alpha by 4 yes or no एक की वैल्यू वैसे ही है मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो कोई बुराई वाली बात देख पीछे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली बात नहीं थी अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया यार बेसिकली न्यूमेरिकल है ये बेसिकली कौन सा सवाल था ये 23 24 25 अबे करंट बहेगा ही नहीं तो कहां से कुछ होगा 26 27 अरे काम करा है 27 28 28 29 अरे 29 अरे 30 अरे 31 अरे 31 ये सब होगा मैं चाहूंगा हूँ सवाल है 33 34 35 36 37 38 39 40 मुझे पता है नहीं करा है पर इसमें कोई डाउट आता भी नहीं है मैं पिछले चार दिन से चिल्ला रहा हूं कि काम कर लो 40 41 42 43 44 45 46 इसमें कोई नहीं अटकता 47 48 48 49 50 51 50 51 जिससे नहीं हुआ ध्यान दे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी हुई है अगर लॉ कहता है कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन उसने बोला अगर करंट नहीं है तो ये लॉ सेटिस्फाई नहीं हो सकता अगर लूप ऐसे ले लू तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बी और बी एल की वैल्यू आएगी यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे तो ये बी इंटू एल एम्पियर लॉ के हिसाब से बच गया अगर बच गया अगर तो कुछ ना कुछ तो म्यू नॉट आई इन होना तो उसने बोला कि बिना करंट के ऐसा एब्रप्टली होना पॉसिबल ये प्रूव करो क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अपना एम्पियर सरेंडर लॉ वैलिड यही बस प्रूव करना था पहले था जो मैं बोला चमका मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया तो बिना करंट के एब्रप्टली मैग्नेटिक फील्ड का जीरो हो जाना पॉसिबल 52 55 56 57 58 59 60 61 इसमें तुम्हारा अटकेंगे मैं बताता हूं कौन कौन से तुम्हें 60 अटकेगा 60 अटकेगा और 61 अटकेगा तो 60 पढ़ लो और 61 दोनों बता रहा हूं 60 पढ़ो सब लोग हाँ भाई 60 सुने अ टाइटली बाउंड लॉन्ग सोलेनोइड कैपिलरी इज एक्सेस पैरेलल टू अ लार्ज मेटल शीट कैरिंग अ सरफेस याद कर एक लार्ज मेटल शीट से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 तू शायद भूल गया एम्पियर सेंटर लॉ से प्रूव कराई थी अगर ऐसी कोई भी इनफाइनाइट शीट हो इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट इसे से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 क्या होती है उसने बोला ऐसी शीटें इस याद कर अच्छा इसमें लैम्डा की जगह के दे रखा है क्या दे रखा है तो इसकी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट के बाय 2 क्या होती है अब सुन द
The surface current through a width dl of the sheet is KdL and the number of turns per unit length of the solenoid is N. A tightly bound long solenoid is kept with its axis parallel to a large metal sheet. मतलब एक solenoid ऐसे रखा है देख. The magnetic field near the center of the solenoid is found to be zero. सोच ऐसा कब हो सकता है? इसकी वजह से magnetic field किधर है? नीचे और इसकी वजह से किधर हो? तो लिखा जाएगा mu naught K by 2 equals to mu naught Ni. तभी तो zero होगा. तभी तो दिखने में सवाल बड़ा दिखाया गया, बाकी है कुछ नहीं. पहली बात. Find the current in the solenoid. तो जाहिर सी बात है आ गया. If the solenoid is rotated to make its, अगर ये दोनों बराबर हैं और बोला कि find the current in the solenoid, तो ये तो जाहिर सी बात है equate करा के आई निकल आया. If the solenoid is rotated to make its axis perpendicular to the metal sheet, अगर perpendicular कर दिया मतलब इसको ऐसे घुमा दिया. अगर इसको ऐसे घुमा दिया तो जाहिर सी बात है mu naught Ni इधर हो गया और mu naught K lambda by 2 इधर हो गया, क्योंकि I इतना ही है कि ये वैल्यू भी mu naught K by 2 के ही बराबर है. तो जाहिर सी बात है कि रिजल्टेंट इधर होगा जिसकी वैल्यू होगी mu naught K by 2 root 2. सवाल खत्म. सवाल से लिखने में बड़ा था कोई खास बात? अरे हाँ ना बोल यार. बच्चा 61 भी मुझसे पूछता है, एक बार पढ़ो उसे. 61 पढ़ लो, 61 पढ़ लो. A capacitor of capacitance 100 microfarad is connected to a battery of 20 volts for a long time and then disconnected from it. 100 microfarad का capacitor हमने 20 volt की battery से जोड़ के रखा तो उसमें charge कितना आ गया? 2000. कितना आ गया? 2000 microcoulomb उसमें charge था. Minus 2000 और 2000. कोई बुराई वाली बात? डिस्कनेक्ट कर लिया. ठीक भाई बहुत बढ़िया. इट इज नाउ कनेक्टेड अक्रॉस अ लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग 4000 टर्न्स पर मीटर, यानी कि एन के लिए 4000 दे रखी है. इट इज फाउंड विद अ पोटेंशियल. जाहिर सी बात है मैंने इसको सोलेनोइड से कनेक्ट कर दिया. अगर सोलेनोइड से कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि सोलेनोइड के थ्रू ये डिस्चार्ज होगा. सोलेनोइड के थ्रू ये डिस्चार्ज, जिसका एन दे रखा है, जिसका एन डिस्चार्ज होगा तो सोलेनोइड में करंट आएगा. सोलेनोइड में करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी. अरे हाँ ना बोल यार. उसने बोला क्या बोला ध्यान से समझे. उसने बोला इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ड्रॉप्स टू 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 2 सेकंड्स. 90% रह जाता है 2 सेकंड में. 90% मतलब 1800. 90% मतलब 2 सेकंड में 1800 रह गया. कितना रह गया? 1800. तो फ्लो कितना करा? 200. कितना फ्लो करा? 200. तो आई इफेक्टिव करंट क्या आया? 200 माइक्रो कूलम / 2, यानी कि 100 माइक्रो एंपियर. 100 कैश में करंट आया 100 माइक्रो एंपियर एवरेज. तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? म्यू नॉट एन आई. कितनी आई? खेला खत्म. खेला बस हो गया. एक मिनट रुक, जल्दबाजी मत करो. तो क्योंकि तुम करके नहीं आया, मैं देख रहा था कोई ऐसा सवाल जो डाउट आता है और तुमने नहीं पूछा मेरे से. चलिए टारगेट अचीव्ड.